हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और घड़ी में 8 बज गए हैं दोस्तों। अब भी मैं बनाने जा रही हूँ खाने में आलू दम की सब्जी और चावल। तो आप लोग जुड़े रहना ब्लॉग में और देखना लास्ट तक। क्या आप लोग को पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, और कैसा लगता है वीडियो ये भी बताइएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए, मैं आप लोग मेरे साथ साथ किचन में आ जाइए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैं मीडियम साइज का यहाँ पे आलू ली हूँ। ये देख सकते हैं मीडियम साइज का है। तो इसका मैं आलू दम बनाऊंगी। तो जा रही हूँ, सबसे पहले इसे उबालूंगी। तो आप लोग जुड़े रहना ब्लॉग में, अब वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मैं इसे उबाल लेती हूँ। और दोस्तों, फिर मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग कहीं जाइएगा मत, वीडियो में ही जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर मैं आलू चढ़ा दूँ उबालने के लिए। इसमें मैं 3 सीटी लगाऊंगी। और यहाँ पर एक बड़ा साइज का मैं प्याज ली हूँ, तो मैं इस प्याज को भी कट कर लूँगी इसमें डालने के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए। मैं यहाँ से निकाल दूंगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देख सकते हैं आप लोग, और इसे मैंने धो लिया है अच्छे से। मैं कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं प्याज को काट ली हूँ अच्छे से। बड़ा साइज का प्याज था इसीलिए मैं इसको एक ही काटी हूँ, क्योंकि बड़ा साइज था। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं दिखाऊंगी आप लोग को इसका सारा रेसिपी। तो आप लोग ब्लॉग में इन तक जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा छोड़कर मत। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगी आप लोग से फिर से थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे आलू हो चुका है। मैं इसको गैस को बंद कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं 3 सीटी लगाई थी इसे मीडियम आंच पे। तो ये हो चुका है, और बाकी बात इसका सीटी यहाँ से निकल रहा है, अभी निकला नहीं है। फिर निकल जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं क्या रखी हूँ। तेज पत्ता है, सूखी मिर्च है, लहसुन है और जीरा है। और बाकी बात आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे प्याज
को मैं कट कर ली थी, तो मैं यही डालूंगी और बाकी बाद मैं मसाला ये ऊपर रखी हूँ तो मैं मसाला भी डालूंगी। और मसाले में क्या क्या डालूंगी वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। मसाले में मैं डालने वाली हूँ चिकन मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, मतलब सारे मसाले मैं बोल रही हूँ सारे आधे आधे चम्मच रखूँगी। मिर्च पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, क्योंकि मैं यहाँ पे सूखी मिर्ची डाल चुकी हूँ इसीलिए। और सब्जी मसाला सबसे मेन होता है तो सब्जी मसाला मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और धनिया पाउडर, और इसे विशेष मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ, और बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाले में बहुत ही टेस्टी बनाऊँगी। तो आप लोग भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों और खाइएगा, बनाकर बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और मैं ज़्यादा मसाला वगैरह का यूज नहीं करती हूँ, जो आप लोग ने आप लोग अगर वीडियो मेरा देखते होंगे तो आप लोग को पता लग गया होगा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूँगी फिर आप लोग को, फिर अगला प्रोसेस दिखाऊँगी, तो आप लोग देखने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिएगा ब्लॉग में, कहीं जाइएगा मत वीडियो छोड़कर, तो आप लोग जुड़े रहिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं आलू को इस तरह से छील कर ली हूँ। और यहाँ पे जो मैं दिखाई थी प्लेट में जीरा वगैरह तेजपत्ता है मिर्ची है, तो मैं वही सब ऐड की हूँ जो मैं रखी थी निकाल कर वही ऐड की हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद ही मैं प्याज ऐड करूँगी। तो गाइस पक चुका है देख सकते हैं, और इसमें मैं प्याज को भी ऐड कर दूँ और प्याज को भी ब्राउन होने तक पकाऊँगी। जब ये अच्छे से गल जाए पक जाए उसके बाद ही मैं मसाला को ऐड कर मसाला को भूनूँगी। तो आप लोग जुड़े रहना ब्लॉग में और देखना लास्ट तक। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं मसाला भी ऐड कर चुकी हूँ, जो मैं आप लोग से बोली थी मैं वही ऐड की हूँ, पर आप लोग को दिखा नहीं पाई लेकिन वही ऐड की हूँ, वही मसाला है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। तो मैं इसी तरह से बनाई हूँ और मसाला भी भुना चुका है आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें मैं पानी भी डाली हूँ, थोड़ा ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू उबाला हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आलू उबल चुका है, ऐसे तो है नहीं पकाना इसीलिए। और इसमें मैं जो आलू को उबल के रखी थी मैं इसमें डाल दी हूँ, आप लोग देख सकते इसे बस 5 मिनट के लिए पकाना है मीडियम आंच पे, फिर ये पक जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये खोलने लग गया है, मैं ऊपर से नमक को भी ऐड कर दूँगी क्योंकि पहले रखने से अंदाज़ा नहीं मिल पाता है पानी, और इस टाइम उतारने की टाइम रखने से थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाता है नमक का, तो इसीलिए मैं बाद में ही ऐड करी। आप लोग चाहे कैसे भी कर सकते हैं इस तरह से। आप लोग देख सकते हो दोस्तों सब्जी कितना मस्त बनकर रेडी हो चुका है। और इधर मैं चावल को चढ़ा ले रही हूँ, जो मैं चावल को भिगो कर रखी थी पहले से ही, और यहाँ पे सब्जी बनकर रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त कलर आया है, कोई कलर नहीं डाली हूँ। ऐसे बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कलर डालकर, जो देखने में अच्छा लगता है पर सेहत के लिए नुकसान होता है, पर मैं इसे ऐसे नहीं बनाई हूँ। तो आप लोग देख सकती हैं वहाँ पे चावल तो मेरा बन चुका था खाना दोस्तों, खाने का टाइम आ चुका था, तो मैं सोची तो एक बार मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही दे रही हूँ, चावल और सब्जी निकाल कर आप लोग के साथ दिखाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर चावल बन चुका था मेरा, कुछ लोग खा भी लिए थे, बाकी बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैं निकाल ली हूँ। तो मैं अभी खाने जा रही हूँ, निकाल कर फिर आप लोग से बातें करूँगी। आप लोग देख सकते कितना मस्त सब्जी बना है, आप लोग टेस्टी भी बना है दोस्तों, कोई कलर वगैरह नहीं डाली हूँ। कलर आते हैं ना वही सब वही बताते हैं, जितने यूट्यूबर होते हैं वही कलर डालकर बताते हैं, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है पर सेहत के लिए नुकसान होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनाई हूँ। तो आप लोग देख सकते
तो गैज कैसा लगा है वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरा डिनर अभी हुआ है नहीं है, मैं जा रही हूँ अभी करने। तो आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलूँगी किसी और, अब मुझे देख सकते मेरे हिचकी भी आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं मिलूँगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के यहीं तक रहने देती हूँ। और फिर मिलूँगी नए रेसिपी के साथ, नए जो भी होगा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली हो तो ज़रूर शेयर करना तो बनता ही है, और आप लोग को भी देखना ज़रूर बनता है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो रहने देते हैं दोस्तों इस वीडियो के यहीं तक, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और दिमाग ख़राब हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।